सो भाई हेलो दोस्तों, वेलकम टू मास्टरमाइंड ब्लॉग्स ऑफिशियल। दोस्तों तो आज मैं आपके लेके आ गया हूँ और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भाई बेनलिंग की ओरा है, ह्यूंडई की ओरा, कार की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस गाड़ी के यानी कि स्कूटर के बारे में आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है, कितना क्या चार्जिंग टाइम रहती है और भाई इसका जो मोड्स वगैरह उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कितना क्या इसका टॉप स्पीड है। तो भाई काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग वाली वीडियो ये बनने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और भाई बताते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है भाई बेनलिंग की ओरा। तो बेनलिंग का जो लोगो मैं आपको दिखा दूं भाई, ये रही लोगो, और जैसे कि एक नॉर्मल वेस्पा टाइप की स्कूटर वैसे ही दिखती है। और भाई इसका वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि ये गाड़ी भी अभी काफ़ी अच्छा जो है मार्केट में चल रही है और इसमें थोड़ी सी चेंज भी की गई है, ताकि जो इसका पावर फिगर है यानी कि जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी जो है आपको अभी ज़्यादा मिलने वाली है। बहुत लोगों को इसके बारे में अभी तक पता नहीं होगा, तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस की गई है और इसका जो पावर है उसको भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। जैसे आप देख पाए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये इसका जो लुक है आपको एक नॉर्मल वेस्पा टाइप की आपको दिखती है, उसी हिसाब से यहाँ पर राउंड शेप की जो इसका हेडलाइट का सेक्शन दिया गया है, ये आपको एलईडी मिलता है और इसका जो पार्किंग लाइट है वो आपको मिलता है हैलोजन में। बाकी जैसे कि देख पा रहे, इसका इंडिकेटर का जो सेक्शन है वो आपको मिलता है हैलोजन में और एक आई सेप की यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड यहाँ पे रखा गया है इसका इंडिकेटर का सेक्शन। तो भाई ये एक रजिस्टर स्कूटर, जैसे कि आप देख पा रहे, इसका नंबर प्लेट भी आपको मिल जाता है एंड साथ आपको एक स्टिकरिंग यहाँ पे ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग दी गई है और यहाँ पे लिखा गया है, और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। बाकी कलर की बात करूँ तो भाई ये जो स्कूटर है अभी आप देख रहे हो ये है पर्पल कलर की, और थोड़ी सी जो शाइनिंग भी कर रही है, और शाइनिंग के साथ अगर आप दिन के टाइम में देखोगे, जैसे अभी देख रहे हो ये थोड़ी सी पर्पल दिखेगी, और रात के टाइम में ये ब्लैक किस लगती है, यानी कि जैसे लगे कि भाई ये गाड़ी का जो कलर है वो ब्लैक है। और साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह आपको यहाँ पे अच्छा दिया गया है, ऑरेंज कलर की स्टिकर है, उसके ऊपर यहाँ पे आपको सिल्वर की लाइनिंग यहाँ पे दी जा रही है, ओरा का ब्रांडिंग मिल जाता है यहाँ पे एंड जो बेनलिंग का यहाँ पे ब्रांडिंग वो भी दिया गया है कि देखिए भाई साइड का जो प्रोफाइल है। और एक चीज़ जो मैं आपको अभी से बता दूं, जो है इसका पिलियन फुट रेस्ट, इसकी एक ख़ास बात यह है कि भाई देखिए, ओके, तो इसमें लगा हुआ है स्प्रिंग, अगर आप यूज करते हो तो भाई ऐसे रहेगी, अगर आप यूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है क्लोज हो जाएगी। ओके, तो एक अच्छी यहाँ पे दी गई स्प्रिंग लोडेड पिलियन का फुट रेस्ट। बाकी जो इसका गार्ड वगैरह देख सकते हैं, ये भी कंपनी से लगाया गया है फुल बॉडी गार्ड के साथ, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है। और पीछे के सेक्शन दिखाऊँ तो भाई पीछे में आपको जैसे कि देख पा रहे हैं वाइट टेल लाइट एंड ये आपको एलईडी मिलता है और इंडिकेटर यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो थोड़ी सी जैसे कि मैं आपको बता दें फ्रंट से, वैसे आपको पीछे से ही जो है वेस्पा टाइप की लगेगी, लेकिन ये थोड़ी सी वाइड यहाँ पर दी जा रही है इसका पीछे का सेक्शन, जो टेल लाइट का जो है सेक्शन है। ओके, बाकी ये रहा इसका जो ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर आप अपना बैग वगैरह आप यहाँ पर टाई कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे इसे रेलिंग टाइप का दिया गया है। बाकी इस स्कूटर में आपको बैक रेस्ट, जैसे देख पा रहे यहाँ पे बैक रेस्ट भी मिलता है और यहाँ पे आपको सॉफ्ट मिलने वाली है। सीट देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीट मिलती है भाई, देखिए तो लंबी जो है ज़्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट ही है, यानी कि दो बंदे आराम से यहाँ पर बैठ पाएंगे, और विड्थ भी काफ़ी अच्छा रखा गया है ताकि आपको कम्फर्ट काफ़ी अच्छा लगे, उसी हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। और भाई देखिए इसका जो क्लस्टर मैं आपको दिखा दूँ, तो भाई ये रहा इसका क्लस्टर, और क्लस्टर से पहले आपको इसका की दिखा दूँ, तो भाई इस टाइप का की आपको मिलने वाली है। और भाई देखिए यहाँ पे लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, ये इसका जो सायरन वगैरह इसमें बजेगा तो इसमें जो है ये स्कूटर स्टार्ट भी हो जाएगी, तो इस टाइप का आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पाए इसका की, और ये रहा इसका फिजिकल की, उसके साथ ही आपको स्कूटर में पुश स्टार्ट बटन का स्विच भी आपको मिलता है, वो रही है। ओके, तो अभी इसको करते हैं ऑन, तो भाई देखिए ये लॉक, हाँ तो ये लॉक होने से ऐसे साउंड करेगा। अभी करते हैं इसको अनलॉक, अभी हो चुके हैं अनलॉक अभी, और देख पा रहे इसका जो क्लस्टर का एरिया है तो कलरफुल टाइप आपको दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार मोड्स आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार मोड आपको मिलने वाले स्कूटर में,
और अभी सेकंड मोड में है तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी बैटरी स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड जो इंस्टेंट किलोमीटर वो भी यहाँ पे शो करेगी। तो पार्किंग मोड भी आपको मिलता है, तो पार्किंग मोड होने का एक पॉजिटिव मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं जैसे कि आगे बैठते हैं, तो अगर आप मान लीजिए गाड़ी को ऑन रखे हैं और आपका बच्चा अगर इसको घुमा दिया तो भाई गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो पार्किंग मोड है, तो पार्किंग मोड में अगर रखेंगे तो भाई गाड़ी आई मीन देखिए जैसे कि ऑन है यहाँ पे और इसको अगर आप देखिए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी एक अच्छा फीचर दिया गया है आज, सेफ्टी फीचर। तो पार्किंग मोड हटाने के बाद यहाँ पे रेडी जो है हो जाएगी, उसके बाद जो है गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ओके, तो ये जैसे कि आप देखो इसका क्रश काफ़ी बड़ा एरिया है और साइड में देखें तो आपको यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच, देन इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच हो गया यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड तो भाई और एक यहाँ पे सर्विस असिस्टेंट का बटन दिया गया है ताकि अगर कभी भी कहीं पे भी थोड़ी सी जो है कुछ भी फेलियर हो जाए, आई मीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए गाड़ी में, तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो भाई ये जो स्कूटर है एटलीस्ट जो है 10 से लेकर 15 किलोमीटर तक जो है ये आपको आराम से लेके जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, सर्विस असिस्टेंस का बटन। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लाइट का जो स्विच, पार्किंग जैसे यहाँ पे पार्किंग का स्विच दिया गया, इसको अगर प्रेस करेंगे तो भाई देखिए अभी ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे रेडी का एक दिख रहा है साइन, तो अभी ये स्कूटर भागने के लिए रेडी है। तो पार्किंग का स्विच यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ आपको यहाँ पे मोड का बटन, भाई देखिए ये रहा मोड का बटन, चार मोड में ये गाड़ी भागेगी, 1 2 3 4। ओके, तो मोड के हिसाब से आपको मिलता है इसका जो टॉप स्पीड में, मैं आपको बता दूँ कि आपको दिखा देता हूँ भाई, इसको अभी दिखाता हूँ इसका टॉप स्पीड कितना क्या है ताकि आपको पता चले कि भाई गाड़ी में आपको स्पीड कितना मिलने वाला है। तो भाई अभी जैसे देख पा रहे यहाँ पे नंबर 1 मोड पे है, तो भाई देखिए फर्स्ट मोड में 37 किलोमीटर पर आर के स्पीड में जो है ये भागने वाली है। अभी सेकेंड मोड कीजिए तो 38 भी आ रहा है, देखिए सेकेंड मोड में 49 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, थर्ड में देखिए भाई 62 किलोमीटर पर आर की स्पीड है, अभी फोर्थ में पूरा 70 किलोमीटर पर आर के स्पीड में ये भागेगी ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो चार मोड के हिसाब से गाड़ी में स्पीड भी आपको मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि भाई कितना क्या स्पीड है स्कूटर का, टॉप स्पीड जो है मिलता है आपको 70 का और एंड जो फोर्थ मोड में अब आपको मिलने वाली है। अभी बात करते हैं मेन जो चीज़ वो है इसका बैटरी का सेक्शन है एंड इसका जो चार्जिंग टाइम है उसके बारे में। तो भाई बैटरी थोड़ा दिखा दीजिए इसका, तो बैटरी को आई मीन इसको सीट को उठाने के लिए यहाँ पे की दिया गया इंसर्ट करने के लिए। तो भाई ये रहा इसका बैटरी का सेक्शन एंड ये पूरी तरह से डिटेचेबल है, यानी कि आप इसको निकाल सकते हो बाहर से, आई मीन जो है चार्ज भी कर सकते हो। और जो चेंज की बात मैं कर रहा था एंड भाई ये रहा इसका MCB का स्विच सेफ्टी के हिसाब से, तो जो चेंज की बात मैं कर रहा था वो है ये कि भाई इस गाड़ी में पहले जो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, तो भाई ने यहाँ पे निकाल दिया, जो भाई गाड़ी के जो ओनर है उन्होंने निकाल दिया है। तो बैटरी अभी जो न्यू आपको मिलने वाली है, पहले जो इस स्कूटर में दिया जा रहा था बैटरी का सेक्शन वो था 72 वोल्ट एंड 40 एज की लिथियम आयन बैटरी, अभी जो आपको मिलने वाली है वो है 72 वोल्ट, ये तो सेम है लेकिन 43 एज की यहाँ पर आपको मिलने वाली लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ पर आपको जो थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी इसके बैटरी के सेक्शन में और आप पावर उसी हिसाब से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो इस स्कूटर का पहले जो कंपनी क्लेम था जो रेंज था वो था 120 किलोमीटर यानी कि 120 किलोमीटर का रेंज था, लेकिन अभी इसका जो क्लेम्ड रेंज है ठीक है ना वो है 140 किलोमीटर ये कंपनी रेंज कंपनी क्लेम करती है इसका जो रेंज है। और अभी तक जो इसका टेस्टिंग 120 तक हो चुका है, 120 तक तो चलती है आराम से, और अगर आप इकोनॉमी में चलाओगे तो भाई डेफिनेटली 130-132 तक तो दे ही देगी, लेकिन अगर आप जैसे कि मोड की सब चलाते हो हाई मोड में तो इसका जो रेंज है उसी हिसाब से थोड़ा सा कम मिलने वाला है। तो यही जो चेंज आपको देखने को मिले इसके बैटरी के सेक्शन एंड इसका जो पावर के सेक्शन में, जैसे कि रेंज अभी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी बेंटली की ओरा में। और ये डेटा चलो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसको अभी लगा देते हैं, बैटरी को अगर आप हटा दोगे तो भाई इस टाइप का कुछ स्पेस मिलने वाला है, लेकिन अगर बैटरी को हटा दोगे तो भाई गाड़ी चलेगी कैसे, तो बैटरी तो आपको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। अभी भाई जो है बैटरी को रख रहे हैं और मैं ये भी आपको बता दूँ, ये जो फोम वगैरह आप देख पा रहे हो ना दोनों साइड में जो लगाया गया है, इसका ये मीनिंग है कि भाई बैटरी का जो सेक्शन है वो हिले ना, कॉन्स्टेंट रहे, इसलिए आज ये पैकिंग टाइप का यहाँ पर दिया गया है साइड में, भाई देख लीजिए यहाँ पे। और ये रहे भी कनेक्शन कर दिया गया है और उसके बाद MCB ऑन कर दिया जाएगा। ओके, तो ये लग चुकी है बैटरी का सेक्शन, हो गया ऑन।
तो बैटरी के बारे में आपने जान लिया है, तो मैं चार्जिंग का टाइम भी आपको बता दूं कि भाई इस स्कूटर को फुल चार्ज करने में यानी 0 to 100% चार्जिंग के जो टाइम है वो लेती है 4 घंटे का समय लेती है। तो 4 घंटे में जो है ये 0 to 100% चार्ज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप फुल्ली डिस्चार्ज ना करें, बैटरी जब बिलो 20 आती है तो आप चार्ज में लगा दो तो बहुत अच्छी बात है बैटरी के लिए भी और गाड़ी के लिए भी। तो भाई बैटरी की बात हो चुकी है और मैं इसका एक स्पेस आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस दिया गया, जैसे कि आपको वेस्पा स्कूटर मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे स्पेस दी जा रही है और एक लगेज हुक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अभी करते हैं इसको बंद। तो हो चुकी हैं सारी बातें, लेकिन आपको भाई टायर भी दिखा दूँ ना, वरना आप बताएंगे भाई टायर क्यों नहीं दिखा। तो ये रही भाई इसका टायर, तो भाई TVS की टायर इसमें आपको ऑफर की जाती है 90-90-12 12 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय दी जा रही है। फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, फ्रंट का जो टायर का जो साइज है आप लोगों ने जान लिया, अभी रियर का भी देख लीजिए भाई। तो भाई ये रहा इसका रियर टायर और रियर में भी आपको 90-90-12 सेम टायर आपको ऑफर की जाती है। और मोटर का जो पार्ट है यहाँ पे लगा हुआ है और भाई ये सस्पेंशन वगैरह देख पा रहे हैं। तो साइड फुटरेस्ट ये हो गई, पिलियन फुटरेस्ट एंड साइड स्टैंड, मेन स्टैंड सब कुछ आपको मिलता है साइड में। यहाँ पे भी आपको ओरा की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकरिंग वगैरह यहाँ पे दी जा रही है, बैलने की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो भाई हो चुकी है सारी बातें इस स्कूटर के बारे में, अभी बात आती है प्राइसिंग की, भाई कितना क्या प्राइस में ये गाड़ी अभी आती है रिसेंटली राउरकला में। तो भाई इस स्कूटर का जो ऑनरोड जो प्राइस है, राउरकला की बात कर रहा हूँ भाई, राउरकला में इसका जो ऑनरोड प्राइस है वो है 1,15,000 की, और उसके साथ ही जो सब्सिडी वगैरह आपको मिल रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आपको और 5,000 का जो है सब्सिडी एक्स्ट्रा देती है ओनली रजिस्टर स्कूटर में, ये बात आप जान लो। तो सब्सिडी अगर सब काट कूट के तो भाई इस गाड़ी का इस जो स्कूटर का जो प्राइस आता है, राउरकला की बात कर रहा हूँ भाई, बार बार बता रहा हूँ राउरकला, क्योंकि भाई बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इस स्कूटर का दाम भाई यहाँ पे ज़्यादा है, तो सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन राउरकला में ये स्कूटर अभी 1,15,000 मिलती है और सब्सिडी के बाद 1,10,000 की ये स्कूटर आ जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं जो जो प्राइस मैं बता रहा हूं वो सब कुछ यानी कि गार्ड वगैरह यहां पे जैसे देख पा रहे हैं ना, सब कुछ मिला के इसका ऑनरोड प्राइस बता रहा हूं। तो भाई यहां पे जो पोर्ट देख पा रहे हैं इसमें आप चार्जिंग यहां पे लगा सकते हो, देखिए भाई ठीक है ना। तो भाई हो चुकी हैं सारी बातें, ये भाई खुल गया अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुकी सारी बातें, और जो चेंजेस की मैं बात कर रहा था होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके पावर में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है एंड इसका जो बैटरी का सेक्शन है उसमें भी थोड़ी सी चेंज कर दिया गया है, और होप सो ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। तो ये था आज का वीडियो इससे बर्निंग ओरा यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।